हाय, आज हम जो है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2021 जो अभी होने वाले एग्ज़ाम उसके एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल सेट जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अपलोड हो चुका है वह हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है पूरे 100 एमसीक्यू 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन को मैंने कैटेगरी के अंदर कर दिया है, जिसमें मैंने कुछ कैटेगरी यहाँ पे 12 कैटेगरी दिया है और मैंने हर कैटेगरी में एक जो है टॉपिक को लिया है, जैसे आर्टिकल्स, वर्ब, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिग्री, सेंटेंस, वर्ड पावर, कम्बिनेशन, प्रीपोजिशन एंड करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कैटेगरी में जो है आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगे और इन्हें याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चंस एक जो है सिस्टम में हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन वैसे इसमें दो जैसे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो आपके मॉडल सेट में 18 नंबर पे है और दूसरा क्वेश्चन 69 नंबर पे मॉडल पेपर में है। ओके, शी इज नॉट पॉपुलर सिंगर एंड ही वॉज स्ट्रक विथ एरो। एन का जो इस्तेमाल होता है उसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि एन के इस्तेमाल के लिए तीन चीज। पहले, वह काउंटेबल हो, अगर गिनती का हो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगर भी गिन सकते हैं और एरो भी गिन सकते हैं, यानी दोनों काउंटेबल नाउन है और दोनों जो है। और दूसरी चीज, वह सिंगुलर हो, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों सिंगुलर है। यहाँ पे जो है शी के लिए सिंगर सिर्फ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एरो इस्तेमाल हुआ है, एरो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए दोनों सिंगुलर है। और थर्ड चीज हम जो देखते हैं वह उनका साउंड हम देखते हैं, और साउंड में ये देखते हैं कि अगर वॉवल साउंड हो, वॉवल साउंड किसको कहेंगे, अ आ ई ई उ, ऐसे जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। तो वॉवल साउंड के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि कंसोनेंट साउंड जो होंगे उनके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पी साउंड है, प साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। तो शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। दूसरे नंबर क्वेश्चन में स्ट्रक विथ, यहाँ ए साउंड आ रहा है, इसलिए ए साउंड के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन एरो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए एन के इस्तेमाल में कुछ जरूरी चीजें जो हमें ध्यान में और रखनी होंगी, जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वह होते तो वोवेल हैं लेकिन उनका जो साउंड होता है वो कंसोनेंटल साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोपियन लिखा जाए तो इसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का नहीं, क्योंकि इसका साउंड जो है वह यू है। सेम अगर वन रूपी नोट हो या वन आइड मैन हो, क्लियर, तो इस कंडीशन में यहां पे जो है यह वह का साउंड देता है, तो इस कंडीशन में भी हम ए का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूनिक अगर हो, यूनिक पर्सन, तो यहां पे जो है ये यू का साउंड दे रहा है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। सेम एज यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, इसमें भी यू का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही एन का इस्तेमाल जो है कुछ वर्ड्स जैसे आवर, तो यहाँ पे ओ साउंड आता है इसलिए इसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। एच ई आई आर, ये ईयर है इसलिए यहाँ पे भी एन का इस्तेमाल होगा, क्लियर। और ऑनरेबल, ऑनेस्ट, इनके पहले भी एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन। और कुछ एब्रिविएशन हो, अगर इनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड से शुरू होगा तो उस कंडीशन में भी एन हम लगाएंगे, जैसे एम ए, तो यहाँ पे एम है। फिर एन सी सी, तो यहाँ पे एन, तो इस कंडीशन में हम इनके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पर जो है हम वर्ब से रिलेटेड जो मॉडल सेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और वर्ब में ऑक्सिलियरीज वर्ब, और ऑक्सिलियरीज वर्ब में जो है वो मॉडल्स, मॉडल्स जो होते हैं पूरे 10 होते हैं, वैसे मॉडल्स 13 होते हैं, जिसमें तीन मॉडल्स जो होते हैं उन्हें हम मार्जिनल वर्ब या सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, क्लियर। और प्राइम ऑक्सिलियरीज वर्ब, यानी ऑक्सिलियरीज वर्ब में जो प्राइम ऑक्सिलियरीज वर्ब होते हैं वो पूरे 11 होते हैं, जिसमें वर्ब टू बी, इज, आर एम, वाज, वर, हैज, हैव हैड, डू, डज, डिड होते हैं। और इनके अलावा जो कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे जो होते हैं इनको हम मॉडल्स कहते हैं। तो ये मॉडल से रिलेटेड है, ये मॉडल जो सेट है उसमें 2 नंबर क्वेश्चन में है। डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, हियर जो है यह हम किसी चीज को, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, यानी हम किसी चीज से मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है पोलाइटली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा वह हमारा वुड हो जाएगा, क्लियर। वी
फिल इन द ब्लैंक्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। जब भी मोरालिटी की बात हो तो वहां पे हम ought to का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ought to नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे should का इस्तेमाल करेंगे। should चाहिए, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो हमारा इस यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह should हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू यहाँ पे ब्लैंक है, मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कीप के बाद जो है वर्ब का चौथा फॉर्म जो है यह जिरंड है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। कुछ वर्ब जो होते हैं जो उसके बाद अगर दूसरे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम जिरंड के फॉर्म में, यानी नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कीप है, स्टॉप है, ओके, स्टार्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे यह जो है कंडीशनल सेंटेंसेज है, पहला इफ से जुड़ा हुआ है। अगर पहला इफ से जुड़ा हुआ है तो दूसरा जो होता है, क्लियर, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं। यू मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइजिंग जो है वह करते रहेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो हेल्थ होगी, आप अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो है वह क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई इन द गार्डन। यहाँ पे जो है हमें ब्लैंक में डालना है, तो कभी कभी जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई काम चल रहा था उस वक्त एक और काम जो है वह हुआ। तो आई फाउंड दिस रिंग, मैंने यह रिंग उस वक्त पाया व्हाइल आई वॉज डिगिंग, जब मैं खोद रहा था इन द गार्डन। यानी यह काम जो है कंटिन्यू था और यह काम जो है इसके जस्ट इस काम के साथ यह काम हुआ है, तो इस कंडीशन में हम वॉज डिगिंग लगाएंगे। ओके, दिस फ्लावर्स ब्लैंक स्वीट्स। ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड टेंस में भी आ सकता है या क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आ सकता है। ओके, तो यहां पर जो है दिज फ्लावर्स, ये ऑलरेडी जो है ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होगा, ये सिंगुलर है तो ये हो नहीं सकता है। वॉज स्मेल नहीं होगा, क्योंकि वॉज के जस्ट वर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होगा या चौथा फॉर्म। स्मेलिंग हो नहीं सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो स्मेल जो है यह प्लुरल वर्ब है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा ये सिंपल प्रेजेंट के सेंस में, क्लियर। एट नंबर क्वेश्चन, आई अ ब्लैंक अ बुक व्हेन ही केम। सेम यहां जो है एक काम चल रहा था जब वह आया, क्लियर, जब वह पहुंचा तो क्या हो जाएगा, वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक अराइव टुमारो। यहां ऑक्सिलरीज वर्ब डालना है, वैसे मैंने इसे जो है ऑक्सिलरीज वर्ब में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसे जो है यहाँ पे टाइम एंड टेंस में इंक्लूड किया है, तो इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं है कि वहां पर मॉडल्स में ये क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्लियर। यहाँ पे जो है ही के साथ जो है यहाँ पे हैड का अगर इस्तेमाल करें तो अराइव्ड हो जाएगा, और हैड का इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे टुमारो है और ये फ्यूचर सेंस को बता रहा है। ही के साथ शैल का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, हैज भी नहीं होगा, जब हैड नहीं होगा हैज भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर सेंस है, तो यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे, तो सही आंसर जो होगा वह विल होगा, क्लियर। अगर ही के बाद जैसे यह 10 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल सेट में 66 नंबर पे है, ही ब्लैंक अ पोएम नाउ। ऑप्शन में है रीड्स, इज रीडिंग, हैज रेड एंड हैड रेड। तो नाउ अगर जुड़ा हुआ हो, एट प्रेजेंट जुड़ा हुआ हो, दिस डेज जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर, ही ब्लैंक टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे फोर जुड़ा हुआ है, उसके साथ 10 ईयर्स जुड़ा हुआ है, यानी टाइम जुड़ा हुआ है, तो यह जो बता रहा है कि यह सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो ही हैज बिन हो जाएगा यहाँ पे, ही हैज बिन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, क्लियर। अब आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर में समटाइम्स लगा हुआ है इट, और ब्लैंक है और हेवली है, तो समटाइम्स लगा हुआ हो, ऑफन लगा हुआ हो, या इसके अलावा जो है नेवर, ऑलवेज। नेवर ऑलवेज वैसे इस कंडीशन में जो है हम सिंपल पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो है जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा, तो इट के बाद जो है वह वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो सिंगुलर फॉर्म आएगा, यानी एस के साथ आएगा, एस आई एस के साथ। तो यहाँ पे रेन्स सही है, क्योंकि रेनी डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, और समटाइम्स के साथ रेन्स का इस्तेमाल होता है, और हैज रेन, हैज रेन्ड रहता, क्लियर, और यहाँ पे रेन है, तो इट के साथ रेन नहीं आएगा, और हैज रेन गलत ही है,
समटाइम्स के साथ हम प्रिंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पर हम वॉइस को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, यह जो है हमारा एक्टिव में है, इसे हमें पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं या वर्ब को देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और मॉडल वर्ब को जो हम पैसिव में बदलते हैं तो सिर्फ उसमें बी ऐड करते हैं। और इसके अलावा जो है यह सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें हम जो है वह बी को ऐड करते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम है और द मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है वह ही से दिया हुआ है, तो हम ही से ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाई द नर्स टुमारो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, इज गिवन हो ही नहीं सकता क्योंकि विल में सिर्फ बी जुटेगा, तो यही ऑप्शन है। तो ये आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हैज द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाई यू, यह जो है पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे हम एक्टिव में बनाएंगे। तो इसका हम टेंस पकड़ते हैं, इसमें जो हैज लगा हुआ है, हैज और फिनिश्ड, बिन फिनिश्ड। तो बिन किस में लगाकर हम बनाते हैं, तो यह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और यह जो है यह क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हैज द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज से बना हुआ है, इसे हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए हैड तो किसी कीमत में नहीं होगा क्योंकि हैज बिन से बनता है, तो हैज यहाँ पे है, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हैव है। तो हम यहाँ पे हैज को अगर देखते हैं तो हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू, ये तो जो है ऑलरेडी पैसिव की तरह जो है यह यानी पैसिव नहीं है क्योंकि हैज से है लेकिन बाई लगा हुआ है, ये गलत है सेंटेंस। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, यह जो है बिल्कुल सही वाक है, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट हैव बिन फिनिश्ड बाय यू। अगर इसको क्वेश्चन में करेंगे तो यह हो जाएगा हैज द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू। तो सही ऑप्शन जो इसका होगा वह डी होगा। यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन, आई डिड नॉट किल द डॉग, इसे जो है हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो द डॉग ये नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इज लगेगा नहीं, जब लगेगा ये वॉज लगेगा। तो वॉज हमारे यहाँ पे तीन सेंटेंस में है, द डॉग वॉज नॉट किल, किल कभी नहीं होगा। वो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब होता है हमेशा वर्ब थ्री ही इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ये भी नहीं होगा, तो ये किल्ड, ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, अ हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम, यह क्वेश्चन जो है यह पैसिव वॉइस में है, इसे एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम इसके टेंस को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे हैज और बीन का इस्तेमाल है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज जो होगा इसका एक्टिव फॉर्म होगा। तो हैज देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हैज ही है, ही हैज बॉट अ हाउस, अ हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम, तो यह बी जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम नरेशन को देखेंगे। ओके, नरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल सेट में 4 नंबर क्वेश्चन पे है, शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें यस नो फैमिली है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सेड टू को जो है वह चेंज करते हैं आस्क में। ओके, सेड टू जो है वह आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, या इंक्वायर्ड ऑफ इसे शुरू करते हैं या आई से शुरू करते हैं इंक्वायर्ड, और ऑफ लगाते हैं अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑफ का हम इस्तेमाल यहां पर जो है वह नहीं करते हैं। क्लियर। तो डिड यू डू दिस जो है यह रिपोर्टेड स्पीच, इस पार्ट को जो है हम सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट बनाएंगे तो यह हो जाएगा, यह क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, डिड का इस्तेमाल है, तो यहां पर हो जाएगा यू डिड दिस। यहां पर हमारे पास रिपोर्टिंग जो वर्ब है यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसलिए यह कॉरेस्पोंडेंस में चेंज होता है। तो कॉरेस्पोंडेंस में तो हम प्रेजेंट टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में जो होता है सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, यू डिड दिस, तो यह जब चेंज होगा तो यहाँ डिड की जगह यहाँ हैड का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर, हैड का इस्तेमाल होगा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर। तो शी आस्क्ड द बॉय
डैट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्लियर, यह ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो है इफ का इस्तेमाल है, यहाँ भी इफ का इस्तेमाल है, डैट का इस्तेमाल है, तो ये नहीं होगा। तो शी आस्क द बॉय इफ ही डिड दिस, तो डिड दिस नहीं होगा क्योंकि हमें हैड का इस्तेमाल करना है, तो ही हैड डन दिस जो है डैट में चेंज होगा, तो ये 17 का सी नंबर आंसर होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो यहाँ पर जो है दो पार्ट है, एक यह जो पार्ट है यह गुड मॉर्निंग, यहाँ पर विश किया जा रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्लियर, पूछा जा रहा है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब हुआ हाउ आर यू। क्लियर, यह हमारा जो है यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम डब्ल्यू एच वर्ड को रखते हैं, वहां पर डैट या इफ को नहीं रखते या वेदर को नहीं रखते हैं। तो मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग, तो मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड। क्लियर, एंड अब यहां पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हम जो है आस्क का इस्तेमाल किया, आस्क के बाद हमने हिम लगाया। क्लियर, हिम हाउ, हाउ यहां पे हो जाएगा और यू जो चेंज होगा वह यू श्याम के हिसाब से चेंज होगा, तो यू ही में हो जाएगा और आर जो है यहाँ पे वोज में चेंज हो जाएगा। ओके, यह क्लियर हुआ, तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर जो होगा यह होगा मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क हिम हाउ ही वाज। यहाँ पर ए और डी ऑप्शन दोनों सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी हम टिक लगा सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। ये वर्क हार्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यह वर्ब से शुरू हुआ है, और यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं इसके सेंस के हिसाब से। तो यहाँ वर्क हार्ड जो है वो एडवाइस किया जा रहा है, तो सेड टू जो है वो एडवाइस में चेंज हो जाएगा, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ क्या करते हैं टू जोड़ देते हैं वर्ब के पहले। तो आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, यह जो है यह ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन जो है वह रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेंटेंसेस में मैंने डील किए हैं। ओके, और कुछ जो है वर्ब में भी वो डील हो चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ईदर और इनसे कोई जो अगर वर्ड जुड़े हुए होते हैं, कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट माय शूज और योर कोट, किसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे वर्ब को रखेंगे, ईदर हो या और हो, नीदर हो या नोर हो, तो उस कंडीशन में जो वर्ब के करीब होता है वही सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे योर कोट करीब है, तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पे इज आएगा। ओके, इधर माय शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। क्लियर, नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज सिलेक्टेड, तो वन ऑफ द बॉयज के बाद जब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब जो होता है हमेशा वह सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वोज, तो यहाँ पे वोज का इस्तेमाल होगा, वन ऑफ द बॉयज वोज सेलेक्टेड, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाता वन ऑफ द बॉयज हु, तो अगर हु आ जाता तो बॉयज के हिसाब से यहाँ पे आर हो जाता, हु आर प्लेइंग देयर। क्लियर, इस तरह के जो है ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो यह जो है यह क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, इच और एवरी, यह जो जब भी आते हैं चाहे इस बॉय एंड इच गर्ल हो, तो उस कंडीशन में भी वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, या एवरी है तो उसमें सिंगुलर होगा, एनी वन आए, एवरी वन आए, समबडी है, एनी बडी है, तो इस कंडीशन में जो है वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा। क्लियर, यहां पर हम डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल सेट में 20 नंबर पे है, इसमें करेक्ट सेंटेंस को जो है वह चुनना है। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, यह जो क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शन देख के पता चलता है कि यह कॉम्पिटेटिव डिग्री में है, क्योंकि इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है, उसके पहले मोर है और देन है, इंटेलिजेंट के पहले मोर, और यह एडजेक्टिव की डिग्री है। क्लियर, तो एडजेक्टिव की डिग्री में, कॉम्पिटेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, मोर का इस्तेमाल करते हैं अगर एक से ज्यादा सिलेबल एडजेक्टिव में हो, और देन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, या जहां पे ईयर लगाना होता है, जैसे बिग से बिगर, बिगेस्ट, जबकि गुड से बेटर और बेस्ट। क्लियर, तो यहाँ मोर और देन का इस्तेमाल होगा क्योंकि इंटेलिजेंट एक से ज्यादा सिलेबल है, फार का इस्तेमाल नहीं होगा, मच और यहाँ पे फ्रॉम, तो इसलिए सही ऑप्शन जो होगा इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, दोज आर प्रोबेबली द, यहाँ ब्लैंक है, कर्टन इन द स्टोर,
यहाँ पे जो हमें फिल करना है वह सुपरलेटिव जो है वह वर्ड फिल करना है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैंसीएस्ट, यहाँ वाई को आई में हम चेंज करते तो ये ज्यादा सही होता। मोस्ट और फैंसीएस्ट ये किसी कंडीशन में नहीं होगा, फैंसी सिर्फ नहीं होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है पूरे कर्टन्स के बीच में, क्लियर। तो दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट, सी नंबर ऑप्शन होगा, कर्टन्स इन द स्टोर, इस स्टोर में जो है शायद यह सबसे फैंसी जो है वह पर्दा है, क्लियर। तो यहां हम सेंटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल सेट में 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। द पजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, यहाँ पर द है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, तो ये डायरेक्ट लगता है कि आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, क्लियर, क्योंकि बाकी सारे जो है वो सेंटेंस सेम है। वैसे मैंने इसे आर्टिकल्स में नहीं रखा है, मैंने इसे सेंटेंस में रखा है, क्लियर। तो यहां पर पजेसिवनेस जो है यह कौन सा नाउन है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज, वहां पे हम द ऑनेस्टी इज इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्लियर। तो पजेसिवनेस जो होता है एक्चुअली इसका अर्थ होता है सेल्फिशनेस या किसी चीज पे अधिकार जताना। तो यह जो है हमेशा समस्या दोस्तों के बीच जो है यह उत्पन्न करता है, क्लियर, तो या लीड करता है उसकी तरफ। तो यहाँ पे बिना आर्टिकल का इस्तेमाल होगा क्योंकि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। यह जो है राइट्स, यहाँ वर्ब फाइव का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब फाइव का इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वहां पर हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर एस या यस वर्ब में लगा होता है वहां पर डज लगाते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो यहाँ माई फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्लियर, तो यहाँ पे डज और उसके साथ नॉट लग जाएगा, तो माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल, यह जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ राइट की जगह रोट होता तो यह सिंपल पास्ट टेंस में चला जाता, और इसका जब हम नेगेटिव बनाते तो डिड का इस्तेमाल करते नॉट के साथ और इसका वर्ब का पहला फॉर्म कर देते, तो माई फ्रेंड डिड नॉट राइट नॉवेल्स हो जाता। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, डू यू लाइक द क्रिकेट। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें जो है आर्टिकल्स ही ज्यादातर यूज हुए हैं और आर्टिकल्स ही देखने में आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो आर्टिकल से रिलेटेड है। वैसे मैंने इसे आर्टिकल वाले कैटेगरी में नहीं डाला, इसे मैंने सेंटेंस वाले कैटेगरी में डाला है। तो यहाँ पे एन है, ए साउंड आ रहा है तो एन, यह सही है। दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, यह भी सही है क्योंकि फेस्टिवल नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले हमारा जो है यह इस्तेमाल हुआ है, और फेस्टिवल के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। माउंट एवरेस्ट जो है यह पिक है, पिक के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करते, या द हाईएस्ट इस्तेमाल हुआ। डू यू लाइक क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। डू यू लाइक द क्रिकेट, क्रिकेट के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर जो जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वह डी नंबर सेंटेंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें सही करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। वैसे सेंटेंस जो होते हैं पांच तरह के होते हैं, और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे जहन में, कि सेंटेंस में जो है हम जब असर्टिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे। तो वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, क्लियर, मॉडल वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेन वर्ब है ये हमारा यहाँ पे। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, यह रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट बी, ये सेंटेंस जो है अटपटासा है तो यह सही नहीं है, यह आंसर नहीं होगा। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, यह जो है यह भी जो है बिल्कुल सटीक नहीं है, क्लियर, क्योंकि शुड बी के बाद वर्क का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। यह शुड बी रिज्यूम आवर वर्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स अगर रहे तो यह क्वेश्चन में यह सही हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वह ए नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर जो है वर्ड पावर से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड पावर में फ्रेजेस, मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेल्ड, यानी वर्ड्स की जो होगी वह स्पेलिंग होगी। पहला क्वेश्चन ही वाज आउट ऑन पेरोल, पेरोल अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। पेरोल कॉन्स्टेंट का अर्थ होता है लगातार, प्लंज का अर्थ होता है डुबकी लगाना या छलांग लगाना, कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर, किसी भी प्रिजनर को किसी कंडीशन पे कुछ समय के लिए रिलीज कर देना, क्लियर,
और डी जो है टू टर्न इनटू स्टोन, स्टोन में चेंज हो जाना। क्लियर? तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वह बी होगा, कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर। 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यह जो वर्ड है एग्जेजरेट, इसका अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो यहाँ पे इसका जो सही स्पेलिंग होगा वह यह होगा। क्लियर? 30 नंबर क्वेश्चन में भी हमें स्पेलिंग देखना है सेमिनार का। तो सेमिनार का यह जो है यह सही जो है यह स्पेलिंग है। मेडिसिन, MEDICINE, यहाँ पर मेडिसिन, तो मेडिसिन का सही डी है। यह आपका पहला नंबर मॉडल सेट का पहला नंबर क्वेश्चन जो है जिसमें हम जो मेडिसिन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वॉइस से रिलेटेड है वहां पे दिया हुआ है, वहां से भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्पेलिंग। तो यहाँ पे बैगेज की जो सही स्पेलिंग होगी वो BAGGAGE होगी। डिनाई का सिनोनिम, सिनोनिम्स बोलते हैं समान अर्थ रखने वाले। क्लियर? तो डिनाई का अर्थ होता है किसी चीज को नकार देना यानी रिफ्यूज कर देना। क्लियर? तो रीगेन मीन्स फिर से प्राप्त करना, रिपेयर बनाना, रिड्यूस कम करना। तो रिफ्यूज जो होगा इसका सही सिनोनिम्स होगा। सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का अर्थ दयालु होता है, सॉफ्ट का अर्थ जो है कोमल, क्रूएल, क्रूएल का अर्थ कठोर, प्रिटी खूबसूरत को बोलते हैं, और ह्यूमन जो काइंड को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का इंटेलिजेंट। एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा बताना। क्लियर? उल्टा। तो अगली, अगली का अर्थ होता है बदसूरत, इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है कठोर परिश्रमी, और डल का अर्थ होता है सुस्त, और शार्प का अर्थ होता है तेज। तो इंटेलिजेंट का सही एंटोनिम जो होगा वह डल होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में एंटोनिम्स ऑफ बोरो, बोरो मीन्स होता है उधार लेना। तो एंटोनिम्स इसका उल्टा बताना है, तो इंटरेस्ट, कॉस्टली, लॉस और लेंड। लेंड का अर्थ होता है उधार देना। क्लियर? तो यह सही ऑप्शन है। 37 नंबर क्वेश्चन, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो फूलों को काटता है या उनके लिए अरेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं, जो फूल बनाए, फूल काटे। क्लियर? और स्कल्प्टर बोलते हैं जो मूर्ति बनाता है, रेडियो जॉकी जो रेडियो पे बोलता है वो रेडियो जॉकी है, और अरीना का अर्थ होता है रंगस्थली, जहाँ पे स्पोर्ट्स खेल होते हैं या कंसर्ट्स होते हैं। क्लियर? तो सही आंसर फ्लोरिस्ट होगा। एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इच, एक बेड़ा जिसमें जो है हम चिड़ियों को पालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एपियरी कहते हैं, जो मधुमक्खी का जहाँ पालन होता है, जू चिड़ियाघर को कहते हैं, एवियरी बर्ड्स का इनक्लोजर जहाँ बर्ड्स को हम रखते हैं, और एक्वेरियम जो होता है वह मछली को रखने का स्थान। सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सुमित, यह दरअसल हार्ड नट टू क्रैक, यह हमारा जो है यह फ्रेज है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे नट का हम इस्तेमाल करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, डू नॉट वॉक ब्रेड एंड बटर हिदर एंड दिदर बाय एंड बाय हैंड टू हैंड, यह जो है एडियम है। हिदर एंड दिदर का अर्थ होता है यहाँ वहां, तो इसका सही आंसर जो होगा हिदर एंड दिदर, यहाँ वहां नहीं टहलो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41 नंबर, ब्लैंक्स, बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, इसमें सही जो है वह एडियम को चुनना है, जैसे अलोंग विथ है, एट वंस है, अबव ऑल और ऑल अलोंग, अलोंग विथ समबडी और समथिंग, डैट मीन्स किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ, एट वंस तुरंत को बोलते हैं, अबव ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंटली, किसी भी विषय पे ध्यान बहुत ध्यान देते हुए, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद उस चीज को हम शुरू करते हैं, तो अबव ऑल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और ऑल अलोंग मीन्स शुरू से, तो इसका सही आंसर जो होगा अबव ऑल होगा। 42 नंबर, मम्स इज अ डेंजरस, मम्स जो एक बीमारी है जिसको गलसुआ कहते हैं, और ये बच्चों को होता है जिसमें गाल फूल जाते हैं। क्लियर? और ये जो है संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे बच्चे में फैलता है। क्लियर? तो मम्स जो है वह डिजीज है, तो यहाँ सही आंसर डिजीज होगा। यू हैव टू, यहाँ पे सही वर्ड्स हमको सेलेक्ट करना है, हैव टू के बाद हमको यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो ये एक्सेप्ट वर्ब नहीं है। क्लियर? अफेक्ट वर्ब है, और ये ऑल्टर, ऑल्टर वेदी को बोलते हैं। क्लियर? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो सही आंसर जो होगा एक्सेप्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, जो 78 नंबर में आपके मॉडल सेट में है, चूज द ऑड वन, तो ऑड वन यहाँ पे चुनना है, जैसे ग्राम, ग्राम चना
राइस चावल और वीट गेहूं, ये तीनों जो है फसल है, जबकि मिल्क जो है ये एनिमल से प्राप्त किया जाता है, क्लियर, गाय से भैंस से। तो यह जो है सबसे ऑड है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर जो है हम लोगों ने 44 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ग्रामर में पूरे 60 क्वेश्चन हैं और 40 क्वेश्चन जो हैं वह टेक्स्ट बुक से हैं, टेक्स्ट बुक को भी हम सॉल्व करेंगे। और यह जो है 44 के बाद जो हमारे रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच जाते हैं इसकी वीडियो जो है जल्द, बिल्कुल जल्द आपको मिल जाएगी, ओके। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, ओके। अगर कुछ और पूछना हो तो आप, अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, और पार्ट टू आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।